बाहरी राज्यों से आए अनाधिकृत लोग भी अब कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आ रहे हैं और ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान से लगने वाली सीमाओं को सील करने के निर्देश दे दिए हैं। इस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने अनुमति देने पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन फिर भी कई लोग अनाधिकृत रूप से प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। अब तक कोरोना पॉजिटिव की रिकवरी 55% तक हो गई है। पूरे देश में 10,000 पॉजिटिव केसेस हुए हैं और राजस्थान में जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था राजस्थान आने वाले लोगों का, जिसमें माइग्रेंट लेबर थे, अचानक लॉकडाउन की वजह से जो लोग अन्य राज्यों में फंस गए थे, कुछ धार्मिक पिलग्रिम्स थे या कोई जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, लॉकडाउन हो गया, उनको साधन नहीं मिला तो वहां फंसे हुए थे, उनके लिए भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय ने अनुमत किया था कि इनको आप ले सकते हैं, उनकी एंट्री का हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उस रजिस्ट्रेशन के बियॉन्ड भी लोग कच्चे रास्तों से, पहाड़ियों के ऊपर से, अलग अलग जगह से अंदर प्रवेश करने की कई खबरें आ रही थी और पॉजिटिव केसेस जो कंट्री में बढ़े, हमारे राजस्थान में सौभाग्य से 3,355 पॉजिटिव केसेस हुए आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसमें से 1,739 लोग, 50% से ज्यादा की रिकवरी भी हमने किए, जो पूरे कंट्री में नंबर 1 है राजस्थान रिकवरी के मामले।